विद न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। तो गाइस मतलब आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मतलब ऑल खेसारी फैंस को ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। सो गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि अब हमारा खेसारी भैया भोजपुरी के साथ साथ साउथ इंडियन मूवी में भी एंट्री लेने जा रहे हैं। तो मतलब ये बात सुन के ऑल खेसारी फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश है, वो मुझे पता है बिकॉज मैं भी खेसारी भैया का फैन हूँ। तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ ये न्यूज़ सुन के। बट गाइस साउथ इंडियन जो मूवीज़ है वो मूवी में मतलब ज्वाइन करने के लिए खेसारी भैया ने मतलब कितना ज़्यादा मेहनत किया है एंड अभी भी कितना ज़्यादा मेहनत मतलब कर रहे हैं अपने फिटनेस को ठीक ठाक रखने के लिए। तो उस टाइप का एक वीडियो है मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और खेसारी फैंस को मैं दिखाना चाहती हूँ कि खेसारी भैया कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट तो नहीं करना चाहती हूँ, जल्दी से आप लोगों को वीडियो को दिखा देती हूँ। बट उससे पहले गाइस अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साइड में जो बेल बटन है उसको जरूर प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरा ऑल न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए सुबह 6 o'clock की शिफ्ट के बाद एक मशीन का पावर। ये सुबह 6 बजे की शिफ्ट के बाद का हालत है ये गाइस, सुबह 6 बजे जनता का प्यार है और आ जाता है। वाह, लोगों का आशीर्वाद है। आज आज दिखाएंगे कि हिट मशीन रहते कैसे हैं बाद में, पहले तो जिम में का विश्वास है। वाह, हाँ बहुत अच्छा जिम है, मजा आ गया। आज 30 दिन में तो अपने आप को फाड़ दूंगा, 2 महीने से जिम नहीं आपको फाड़ दूंगा करते हैं ना उसी हिसाब से। यही तो मैं भी बोल रहा था। लाइट और जलाओ नहीं, ये इतना ही आलम है आज के शिफ्ट के बाद। यस इस मतलब आप लोग ये वीडियो देख के समझ सकते हो कि कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है फिटनेस मेंटेन के लिए। इतना सब लोगों को मेहनत करनी चाहिए तो मेक अ बॉडी लाइक अ हल्क। जैसा कहा जाता है कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो सच में मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अभी जस्ट हम लोग का पैकअप हुआ, 2 महीने हुआ है बस जिम छोड़े हुए, तबीयत खराब है मेरा जानते हो ना। अच्छा तबीयत खराब में ये हालत है तो फिर तबीयत खराब नहीं होता तो अब तक अलग लेवल होता बेटा। सही है, रोहित अनिंदर भी आज हमेशा सूट पे रहते हैं भैया के साथ। नहीं 1 महीने में तो देखो ना अभी फेट का भी फटाफट फैट निकालूंगा। क्या कॉन्फिडेंस है भैया के अंदर। सब लोग जा रहे हैं कुछ और सामान लेने, फिर रात में करेंगे फिट मशीन के रूम का ट्रिप। ठीक है रोहित। सो गाइस मतलब ये वीडियो देख के तो पता चल गया ऑल खेसारी फैंस को कि हमारा खेसारी भाई अपना फिटनेस मेंटेन के लिए कितना ज्यादा वर्कआउट करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो मतलब सब लोग ये देखता है कि खेसारी भैया का फिटनेस बहुत ज़्यादा फिट है, बट इस फिटनेस के पीछे क्या राज है वो भी तो जानना चाहिए ना ऑल खेसारी फैंस को। इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया एंड आप लोगों को पता ही है कि रिसेंटली खेसारी भैया साउथ इंडियन मूवी में भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो इसीलिए आई थिंक और भी ज़्यादा मतलब हेल्थ केयर करने में बिजी है खेसारी भैया। सो मतलब एंड ये वीडियो देख के मैं बस एक ही बात सोच रही हूँ कि सुबह 6 बजे खेसारी भाई अपना वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक मैं कभी सुबह 6 बजे उठा ही नहीं उससे। ठीक है, सो एंड खेसारी भैया ने इस वीडियो में एक बात बोला कि जब मतलब विवेक जी ने पूछा ना खेसारी भैया को कि मतलब आपको इतना एनर्जी कहाँ से मिलता है, जब खेसारी भैया ने बोला ना कि ऑल जनता का प्यार है आशीर्वाद है, तो वो बात सुन के मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी कि हाँ खेसारी भैया के साथ ऑल खेसारी फैंस का सपोर्ट है, वो खेसारी भैया मानते हैं। ठीक है, तो ये बात सुनकर बहुत ही अच्छी लगी मुझे एंड ये बात सुन के मुझे भी थोड़ा सा मतलब इंस्पायर मिला कि सुबह सुबह उठना चाहिए, थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए अपना फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो देख के कैसा लगा वो जरूर आप लोग कमेंट में बताना, तो मैं वेट करूँगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना। ठीक है, तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।